हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बनाने जा रहा हूं रिगार्डिंग अ लेवल अप इवेंट, और जिसमें हम कवर करेंगे करीना चैलेंज के ऑब्जेक्टिव। आज करीना चैलेंज का ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, बट वी वांट टू डू अ लेवल अप जिसमें हम फोकस कर सकते हैं वॉल्यूम 192, 197 करीनाज ऑब्जेक्टिव पे, जिसमें कि हमें एक टीम लेके जानी है एक्ट 6 चैप्टर 1 क्वेस्ट 5 क्रॉस बोन्स वाला जो क्वेस्ट है, उसमें हमें लेके जाना है 5 स्टार 20 साइक्लॉप्स ब्लू टीम, गैम्बिट, जुबली, नाइट क्रॉलर, रोग, वुल्वरीन एंड स्टॉर्म। तो इसके लिए मैं टीम तैयार कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी हमें मिल रहा है 20% टीयर 5 क्लास कैटलिस्ट। तो उसके लिए आई बिलीव मैं करूँगा रैंक अप अपनी कौन से चैम्पियन को, देखते हैं एक बार जाके फटाफट। उप्स, म्यूटेंट एंड 5 स्टार, ओके, रैंक अप रोग को करना चाहता था मैं। अगर अब जाके देखें, मैं रोग को पिछली बार रैंक 3 पे लेके आया था। जाके देखते हैं एक बार स्टोर में, और ग्लोरी से हम ले लेते हैं 3 T1 अल्फा ताकि हमारा फटाफट ये रैंक अप हो जाए। और थोड़ा सा गेम प्ले देखें अगर रोग कुछ कर पाएगी अगेंस्ट एनी वन इन द कॉम्पिटिशन। आई बिलीव गैम्बिट भी है मेरे पास जिसको मैं रैंक 3 पे लेके जाऊंगा अगली बार, क्योंकि आज तो आई बिलीव मेरे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि T2 अल्फा भी मैंने सारा ब्रोक पे लगा दिया है, पर करना पड़ेगा गाइस क्योंकि मजबूरी है एंड आई हैव टू डू करीनास चैलेंज कभी सूनर और लेटर, पर धीरे धीरे ही प्रेपरेशन होगी। काफ़ी मैं आई एम नॉट एज लोडेड एज लेगेसी और सीटन और एनीवन कि मैं फटाफट से बेसिकली खरीद लूँ रैंक अप रिसोर्सेज, वो सब नहीं कर सकता मैं। आई कैन जस्ट बेसिकली धीरे धीरे रैंक अप एंड प्रिपेयर माई टीम एंड नॉट डू ऑल ऑब्जेक्टिव एक साथ, धीरे धीरे ही होंगे मेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स गाइस। तो मैंने इसको रैंक अप कर दिया, एक बार जाके देखते हैं कि कैसा ओवरऑल डैमेज देती है Act 6, Quest 1, Chapter 1, 5, Part 5। इसमें देखते हैं, एक बार हम लेके चलते हैं रोक को, म्यूटेंट, ये रही रोग, और आई थिंक गैम्बिट लेके जा सकते हैं शायद। हाँ, गैम्बिट इज अलाउड, फिर स्टॉर्म अलाउड है, नाइट क्रॉलर अलाउड है, और बीस्ट अलाउड है शायद। ब्लू टीम साइक्लॉप तो कौन ही लेके जाएगा, बीस्ट इज अलाउड, तो ये टीम लेके जानी है मुझे आई थिंक फॉर द करीनास चैलेंज। इसमें से कोई भी रैंक्ड अप नहीं है गाइज मेरा, अनफॉर्चुनेटली गैम्बिट रैंक 2 पे है। फिर से देखें, मैं कोई गलत टीम तो नहीं लेकर आया। 5 स्टार 20 साइक्लॉप्स, गैम्बिट, जुबली है नहीं मेरे पास, नाइट क्रॉलर, रोग, वुल्वरीन एंड स्टॉर्म। ओके, एक दो फाइट करके देखता हूँ मैं रोग के साथ कि कुछ हो पाएगा कि नहीं इसमें मुझसे। पहली फाइट से ही थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि विल आई बी एबल टू डू दिस। तो मतलब थोड़े बहुत रिवाइव लगा के भी अगर मैं कर लूँगा क्वेस्ट सो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि रैंक अप रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं लगाना चाहूँगा ओवरऑल मैं इसमें। और अभी किया था गाइस ये वीडियो, अगर आपको याद है लास्ट मंथ ही मैंने Act 6 Quest 1 किया था अपना बेबी अकाउंट में। राइट, हाय हाय,
थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइमर ज़्यादा लास्ट नहीं करता। अब आप देखोगे रोक के नीचे एक टाइमर सा आ रहा होगा। अच्छा नहीं आ रहा एक्चुअली अभी। हाँ आ रहा है टाइमर अब। हाँ ये वाला टाइमर बहुत जल्दी लैप्स हो जाता है तो इसके लिए मुझे काफ़ी अग्रेसिव खेलना पड़ेगा क्योंकि ये बफ स्टील करती है। शिट, मैं टाइमर पे ही ध्यान देता रहेगा। लेट्स टेक सम हेल्थ। जब तक मेरा टाइमर चलेगा तब तक मैं उसका बफ का फायदा ले पाऊंगा गाइस, और ले पा रहा हूँ। सो यार रोग इज नॉट बैड। 118 हिट लगे रैंक 4 रोग को मारने में एक बंदे को, बट देखते हैं कैसे चलता है। गैम्बिट से ट्राई करूँ, रैंक 2 पे ही है, एक फाइट गैम्बिट से ट्राई करते हैं और देखते हैं हम कुछ मार पाएंगे कि नहीं। आई थिंक ये स्टन इम्यून था फैल्कन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सब तो करना ही है गाइस मुझे। ऑलराइट हट। मुझे लगता है इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा प्रिपरेशन के लिए। देखें तो बहुत फाइट्स हैं एंड देन द क्रॉस बोन्स बॉस, बट रोग एक ऐसी चैम्पियन है जो अपने ऊपर से डीबफ जल्दी से हटा देती है। शी विल बी एबल टू, आई थिंक शी विल बी एबल टू डू दिस क्वेस्ट। देखते हैं एक बार इससे भी लड़ के देख लेता हूँ मैं अगेंस्ट फाल्कन। नॉट बैड, इतने गंदे हिट नहीं है, पर ब्लॉक प्रोफिशिएंसी कम लग रही है इसकी। पॉइजन ने ही मार दिया मुझे। आई थिंक सुसाइड मास्टरी ऑफ करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए जब ये क्वेस्ट करने जाऊंगा, बिकॉज ये सुसाइड ज़्यादा फ्रेंडली लग नहीं रही। एंड बाकी तो मेरे पास कोई चैम्पियन है नहीं जिस ये तीनों ही बेकार हैं, बीस्ट, स्टॉर्म और नाइट क्रॉलर। इनको मैंने रैंक भी नहीं किया हुआ, बेकार तो नहीं है। मैंने स्वीडा का वीडियो देखा था जिसने रैंक 5 कर रखा है अपना नाइट क्रॉलर और उससे लड़ता है वो। वो स्वीडा इज़ अ नेक्स्ट लेवल प्लेयर, तो उसकी वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है। कोई नहीं गाइज, अब आई थिंक एक और मेरे को रैंक करना पड़ेगा। गैम्बिट को मैं रैंक करूँगा या एंड आई विल ट्राई टू डू दिस करीनास चैलेंज वेरी सून। टिल देन गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगा। आज का बहुत पिटा हूँ मैं इसमें, बट इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं करीनास चैलेंज के लिए प्रिपरेशन करना चाहता था और अपना लेवल अप इवेंट का ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहता था गाइस। बाकी अब मेरा एक माइलस्टोन बचा है, उसके लिए 2 या 3 स्टार चैम्पियन मैं रैंक अप कर लूँगा गाइस। चलो गाइस, इन केस आपको वीडियो सही अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।